बुजुर्ग को ट्रेन में आया हार्ट अटैक, मौत, सीने पर हाथ रखा और गिर पड़े। यूपी के मेरठ से गुरु पूर्णिमा मनाने अशोकनगर आए थे। गुना से मेरठ ऊना हिमाचल ट्रेन में सफर कर रहे 71 साल के बुजुर्ग की गुरुवार की रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुजुर्ग के बेसुध होने पर गिरने पर उन्हें शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर उतार कर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को बुजुर्ग का पोस्टमार्टम किया गया। उत्तर प्रदेश मेरठ के फलावदा के रहने वाले 71 वर्षीय धर्मराज सैनी पुत्र तुलाराम 5 परिचितों के साथ गुरु पूर्णिमा के आयोजन में शामिल होने अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर ट्रस्ट आए थे। गुरु पूर्णिमा के आयोजन में शामिल होने के बाद गुरुवार रात धर्मराज परिचितों के साथ वापस अपने घर मेरठ लौट रहे थे। वे गुना के रेलवे स्टेशन से ऊना हिमाचल एक्सप्रेस में रात 1:15 बजे सवार हुए थे। धर्मराज सैनी के साथ सफर कर रहे रामनिवास ने बताया कि ट्रेन को चलने करीब 20 मिनट ही हुआ था कि सैनी ने सीने पर हाथ रखा और ट्रेन की गैलरी में गिरकर बेसुध हो गए। संभवतः उनकी मौके पर ही मौत हो गई होगी। वहीं सूचना के बाद जीआरपी पुलिस ने धर्मराज को शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर उतारा था, जहां उनकी मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि सुबह सैनी का पोस्टमार्टम किया गया। प्रथम दृष्टया मौत हार्ट अटैक से होना लग रहा है। जांच के लिए बिस्तरा भिजवाया गया। क्या नाम है? राम निवास। यहाँ पे जो पीएम हो रहा है किसका हो रहा है? धर्मराज। और उनके पिता का नाम? पिता का नाम तुलाराम। और उम्र कितनी है तुलाराम की? इनकी 71। तो क्या हुआ उनके साथ में? इनको जो सामान गाड़ी में रख रहे थे, गाड़ी जब चल पड़ी उसके बाद एकदम पता नहीं क्या हुआ, ये मतलब ख़त्म हो गए तुरंत ही। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम गुना से मेरठ जा रहे थे। मेरठ जा रहे थे। इनके साथ में और भी कोई था? हाँ, एक दो, हमें छः। अच्छा, थे छः लोग थे आप? हाँ, छः लोग थे। हमारा टिकट हमारे 6 लोगों का था। तो जी रहने वाले कहाँ के? फलावदा। कहाँ में आता है जी ये? यूपी में। यूपी में आता हूँ।